ओम शांति, ओम शांति। मन मन भी ऐसे मन के अंदर औरों को देखते ही, जैसे माता जी ने कहा योग लगाओ, ज्ञान के पॉइंट सुनाओ, मुरली का है ना ज्ञान सुनाया मन ने। मन सदा हर्षित, हल्का, स्वच्छ, पवित्र। तब बाबा ने कहा तन से, मन से, धन से सेवा करो। भगवान ऊपर से धन नहीं भेजता है, उसके पास धन नहीं है, ऊपर से आपको दवाई नहीं भेजेगा, तो कैसे करेगा, कैसे निरोगी काया बनेगा, कैसे हम स्वर्ग के लायक बनेंगे, तो उसका तरीका चाहिए। मन में सुनाया, चलते फिरते औरों को देखते शुभ सोचो, मन स्वच्छ, शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, इसको सुखी बनाओ, आज के मुरली के पॉइंट सुनाओ। ये मन में याद है ना, ज्ञान ज्ञान सुना सुनाएंगे तो मन स्वच्छ है, निर्मल है, तो मन स्वच्छ है, सदा हर्षित है, देवता है सदा मुस्कुराते हर्षित रहते, क्यों, आज अपने ऐसे कर्म किया, वहां कोई भी बीमारी नहीं सत्युग में, क्यों, आज आपने इस धरती, जब भगवान आता है संगम पर, तन से भगवान की दिन रात सेवा किया। धन सत्युग में कहां से आएगा, कैसे ये धनवान, इतने सोने का ताज, इतना सब जेवर कहां से आया, तो यहां धन जो भगवान की सेवा में लगाया आपने, एक का पदम गुना होके देता है। अगर स्वर्ग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, निरोगी काया, निर्मल मन, धन संपत्तियों से भरपूर होना चाहते हो, अपने आप नहीं, खेती में बीज बोना पड़ेगा, नहीं तो एक गरीब क्यों, किसने गरीब बनाया, ये बीमार क्यों, किसने बीमार बनाया, ये काला क्यों, ये लंगड़ा क्यों, ये अंधे अंधा क्यों, किसने बनाया, अपने कर्मों से बनते हैं। तब कहता भगवान भाग्य बनाने के लिए आया है। वह लोग समझते हैं भगवान मुझे खाना दे दो, मेरी बीमारी ठीक हो तब मैं मानूंगा, ऐसा चमत्कार नहीं है, ये याद रखना। लोगों के अंदर यह है भगवान मेरा काम करो, मेरे बच्चों की शादी कराओ, मेरे बच्चों को नौकरी दिलाओ, ये भगवान करता नहीं है, लेकिन मनुष्य ये चाहता है तब मानता ये भगवान है। जैसे आपने देखा पुटपत्री का सत्य साई बाबा था, कितना चमत्कार, जिसको जो चाहे बना के देता था, क्या हुआ, अभी कहाँ गया, तो चमत्कार, जैसे जादूगर चॉकलेट बना के देता है वो नहीं खा सकता है, दूसरों को देगा, तो ये चमत्कार है, इस चमत्कार से कुछ होने वाला नहीं है ना, तो इसलिए जो होना वो अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, कि कल ऐसा नहीं कर हमारे अंदर, हम रोज ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, बीमारी क्यों हुई, हम गरीब क्यों, गरीब परिवार में क्यों जन्म में आया, ये करोड़पति क्यों, इनके पास इतनी जमीन है हमारे पास नहीं क्यों, इन सब का कारण भगवान अब आता है तब एक ज्ञान देता है। समझ में आया।